बिना मेरा रक्षा बंधन। पूरी दुनिया की रीत बदल के रख दी है इन लोगों ने। ऊपर से ये हमारे नंदोई साहब कुछ नहीं बोलते। अब तू ही सोच भला, जिस छोरी की वजह से उसका भाई और उसका बाप पूरी दुनिया की रीत ही बदल दे, वो तो इतराएगी कि नहीं। हाँ, पर ऐसी रीत ये तो गलत है ना। गलत तो है, पर सही करने की हिम्मत आज तक किसी ने ना दिखाई। तारे में है तो अजमा के देख ले, मैं पायल पहन के देख लू। इतने साल से चली आ रही शिवराज और रसाल की राखी बांधने की रीत, पर आज ये रीत भी टूटेगी और उस रसाल का दिल भी। जो लाने बोला है वो लाया? लाया हूं, ये ले। ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी से पीते ही शरीर जलता है और दिमाग घूमता है, और जिसने भी इसे पी लिया ना, चार पांच घंटे के लिए तो ऐसा बेहोश होता है कि भगवान भी ना उठा पाए उसमें। पर हमारे को ये बता, पिलाना किसको है? सरपंचा ने। सरपंचा क्यों? जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा हो जाए ना, तो सालों से चलती आ रही ये रीत और उस छोटी छिपकली का गुरूर दोनों टूटेगा। अब आई बात समझ में? इस रीत को तोड़ने के लिए ना तो मैं थारे साथ हूँ एकदम दिल से। अब तू बाहर जा और दरवाजे पे इंतजार करना। जैसे ही मैं शिवराज ने बाहर भेजूंगी, इशारा मिलके तुम्हें पता है क्या करना है? पता है। लाल रुमाल ना? लाल रुमाल। आज रक्षाबंधन है, सब भाई बहन मिलके ये त्योहार मनाएंगे, पर रसाल और शिवराज इन दोनों की कलाई तो सोनी रह जाएगी। हंसी नाचती रहती ना थारे मुंह पर रसाल, थारी हंसी को आज मैंने आंसू में ना बदला तो मारा नाम भी चकोरी ना। शिवा जी मासा। ओ शिवा, मारे लाडे सर किसी राजकुमार से कम ना लग रहा है, थारी बलाई ले लूं? अच्छा बच्चे सुन, एक तू ही तो है जो चकोरी मासा को समझता है, ध्यान रखता है ना? मारे लिए एक छोटा सा काम करेगा? जी मासा। तू बाजार जा और अपने लिए और थारी बहन रसाल के लिए एक अच्छा सा उपहार ले। मैं अपनी तरफ से रसाल के लिए कुछ लेना चाहती हूँ, वो मैंने पसंद ना करे ना तुम्हारे से उपहार लेगी ना। जैसे मैंने तुम दोनों को अपना बच्चा मान लिया है, वैसे रसाल भी मन ने अपनी माँ माने, और तने तो पता है कि उसे के पसंद है, तो तुम्हारे लिए लेके आएगा? जी मासा, मैं यूं गया और यूं आया। यूं तो तू जा रहा है पर यूं तो वापस ना आएगा। अब तू वापस तब आएगा जब राखी का मुहूर्त खत्म हो जाएगा और थारी रसाल की राखी की रीत भी टूट जाएगी। उनको इशारा कर देती हूँ। चकोरी मासा के? आपने मारे भाई साहब को देखा के? हाँ देखा था, शायद घर के बाहर जा रहा था। अच्छा, किसी काम से गए होंगे के? कुछ काम था। रसाल आज राखी, रसाल छोटी है खाना बनाना ना आता, हम दोनों मिलके पूरी बनाएंगे। फूली मासा आपसे आग्रह कर रही है। अच्छा फूली, तो तू ये चाहे है आज रक्षाबंधन है तो हम दोनों मिलके रसाल की तरफ से शिवराज के लिए खाना बनाए। अच्छा
के खेल रच रही हूँ, उसके बीच में कोई आ ना जाए, इसलिए पहले सरपंच साने ठिकाने लगाना जरूरी है। मैं शिवराज ने किसी बहाने से घर से बाहर भेजूंगी और तू बाहर उसका इंतजार करेगा। जैसे ही मैं लाल रुमाल दिखा के तने इशारा करूंगी, तू शिवराज ने उठा लेना। आज रक्षाबंधन का मुहूर्त 4 बजे तक का है, तब तक तो शिवराज ने संभाल। जैसे ही मुहूर्त खत्म हो जाएगा, छोड़ने छोड़ देना। रक्षाबंधन का मुहूर्त बीत जाएगा तो दोनों भाई और बहन राखी ना बांध पाएंगे एक दूसरे को, और ये होगी मारी पहली जीत उस छोटी चुड़ैल पे। उसने नई रीत चलाई है ना अपने भाई साहब से राखी बंधवाने का, कहती है रसाल अपने भाई की ढाल। तो आज इस ढाल का गुरु और ये रीत दोनों टूटेगी। मारे को गदा बेवकूफ बोल रही है और खुद की घास अकल चढ़ने गई है। अरे ना तो उसने शिवराज को बाहर भेजा, ना कोई इशारा किया, पकड़ू किसको, कद्दू को। ये दोनों जिस तरह रसोड़े में जमी है, मनीत ने आसानी से निकलने ना देंगे यहाँ से। के करूं? हो गया, अब मैं चलती हूँ। पूरी तल दूं? हाँ हाँ, मीठी वाली। चकोरी मासा, आप पूरी बनाओ। और फूली मासा, तब तक मैं आपको भैंसा के लिए उपहार दिखाती हूँ। अरे, उस मुंह को इशारा देना होगा। अरे ये लोग कहीं मारे को पहचान न ले। राज, रसाल देखो तुम दोनों के लिए खेल आया हूँ। इधर बापू साहब। काका साहब की कोई खबर मिली क्या? उन्होंने नौकर को भेजवा के कहला है कि उनको घर की बहुत याद आ रही थी। तो गांव का काम निपटा के वो सीधा घर निकल जाएंगे। त्योहार का समय है ना, घर की याद तो आ गई। मैं सामान अंदर रख दूं। आ गई मारी गुड़िया। देखो मैं कैसी लग रही हूँ।